फिफ्टींथ प्रॉपर्टी। फोर्टीन फोर्टीन्थ है। सर। नाइन्थ वाली कौन सी थी, एक बार बताओगे? कौन सी थी भाई नाइन्थ वाली? लेट ए बी एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देन ट्रेस ए स्टार इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके सर, आपने ये पहले क्वेश्चन बोला था ना कि मैं सर ने क्वेश्चन बाद में देखता बोल हूँ। दिया था कि ये नाइन्थ प्रॉपर्टी भी है। ओके थैंक यू। हाँ, अब कौन सी है, 14th? यस सर। यस सर। फोर्टीन प्रॉपर्टी है। कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू मैटर कौन कौन सी है वो टू मैटर सेट की ए बी कहते कोई दो मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेंगी कि ए ए बी माइनस बी ए आइडेंटिटी हो। तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे, प्रूफ इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल
तो इस टाइप की एंट्रीज हैं जो वो किस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगी, डायगनल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगी। दूसरे वर्ड्स में आप यूं भी कह सकते हो कि जिसकी डायगनल एंट्री है ना इस फॉर्म की हो, D1, D2, DN, बाकी जो रेस्ट बचा है वहां पे क्या हो, जीरो, इस तरह की मैट्रिक्स, वो क्या कहलाती है, डायगनल मैट्रिक्स कहलाती है। इस मैट्रिक्स की कई बार नोटेशन है ऐसे भी लिखते हैं, जब ये ऐसे लिखी हुई है DIAG डायगनल, D1, D2 डॉट डॉट करके DN, इस मैट्रिक्स को भी क्या समझा जाए, डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स में जो मर्जी चलती है हमारी, जो आर्बिट्रेरी है, डैश वाले हमारी मर्जी के हैं, कुछ मर्जी भरे हम डैश वाली पोजीशन पर। मान लो मैं 2x2 की बनाना चाहता हूं, 2x2 की मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं डायगनल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां तो मेरी मर्जी चलेगी, यहां पर क्या भरूंगा, जीरो। अगर मैं 3x3 की बनाना चाहता हूं तो मेरी मर्जी कहां पर चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी इन पोजीशंस पर, A1 पर, A22 पर, A33 पर, बाकी हर एक को क्या भरना पड़ेगा, जीरो, ऐसे भरना पड़ेगा। अब मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, बताना इनमें से डायगनल मैट्रिक्स कौन कौन सी है, जिस पर डायगनल है ओके कर देंगे, जो डायगनल नहीं है उसको कट कर देंगे। पहली 0 0 0 0, दूसरी 1 0 0 1, तीसरी 1 0 0 2, चौथी 0 1 0 0, पांचवी I 0 0 0, छठी I -I 0 0। तो पहचाने कौन कौन से डायगनल मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट ऐसा डायगनल है, सर एक ही है, बस फोर्थ नहीं है, बस फोर्थ नहीं है, बाकी सारी हैं। यस सर, फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, बाकी सारी हैं। यस सर, यस सर, कारण वही डैश वाला, यहाँ अपनी मर्जी चलेगी, कुछ मर्जी करो इस पोजीशन पर, बाकी हर जगह क्या रखना है, हमने जीरो रखना है। तो फोर्थ को छोड़ के ये भी डायगनल है, फिफ्थ भी, जिसे टिक्का लगाया, सिक्स्थ भी है, फर्स्ट भी है, बस चौथी नहीं है, बाकी सारी हैं। समझ गए सब? यस सर। ओके, अब वही प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं हम इसके ऊपर। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, पहली हम देखेंगे सम के ऊपर, मतलब डायगनल प्लस डायगनल क्या निकलेगा ये देखेंगे हम। मतलब दो डायगनल मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की है तभी जुड़ेंगी, जब सेम ऑर्डर की है तभी जुड़ेंगी, यहाँ डैश है, बाकी सब जगह जीरो है। हाँ, क्या डायगनल होगी, डायगनल होगी, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि आप एक तो ए ले लीजिए, ए ले लीजिए, मैं डैश ना यूज करके मैं डी वन डी टू यूज करता हूं, मैं क्या यूज कर देता हूं, D1 D2 DN, और बी में यूज कर देता हूं मैं D1 डैश D2 डैश और DN डैश,
तो इनका सम भी इसी फॉर्म का आएगा, बाकी सब जगह जीरो, ये आएगा डी वन प्लस डी वन डैश डी टू प्लस डी टू डैश और डी एन प्लस डी एन डैश, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कैसी मैट्रिक्स आएगी, ये डायगनल आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या बना, ये रिजल्ट बना सम ऑफ टू डायगनल मैट्रिसेस इज अगेन ए डायगनल मैट्रिक्स। तो दो डायगनल मैट्रिक्स का जोड़ है, हमें ऐसा डायगनल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डैश वाली पोजीशन है वही आर्बिट्री रहेगी, बाकी जगह तो जीरो फिक्स्ड है, ये कारण है। मतलब ये रूप नहीं बदलेगी, जहां रूप बदलती है वहां गड़बड़ होती है। फिर हम देखना चाहते हैं प्रोडक्ट का क्या हाल है, प्रोडक्ट का जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है, हम प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। पर वो भी डायगनल होगा, हाँ वो भी डायगनल होगा। ये है एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए डी वन डी टू चलते गए डी एन डायगनल है। बी कौन सी है, डी वन डैश डी टू डैश और डी एन डैश। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ए बी को, तो ये क्या आएगी, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनेगी डी वन डैश, बाकी सब जगह जीरो बनेगा पक्का, करके देख लो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो डी वन डैश आएगा, यहां आएगा डी टू डैश और यहां आएगा डी एन डैश, बाकी सब जगह क्या आएगा जीरो। तो रिजल्ट बन गया द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज अगेन ए डायगनल मैट्रिक्स। मतलब दो डायगनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, एक डायगनल मैट्रिक्स होती है। तो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, एक तो सम के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब तीसरी प्रॉपर्टी है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होएगी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी the scalar multiplication with a या of a diagonal matrix is again a diagonal matrix डायगनल मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है, एक नंबर होता है ना, हमें डायगनल को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर, तो हर एक डायगनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जगह जीरो है, जीरो ही रहेगा। मतलब क्या होगा, ये इस फॉर्म का आएगा ना, के डी वन के डी टू के डी एन, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा जीरो। तो इसलिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन
और फिर डायगनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, डायगनल रहेगा, तो तीनों प्रॉपर्टी फेवर करेंगी, चाहे सम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो। अब जो नेक्स्ट बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, इफ कैपिटल ए इज ए डायगनल मैट्रिक्स, मतलब हमें क्या दे रखी है, कोई डायगनल मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए, देन द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, बता सकते हैं क्या आएगी ये? अरे ये भी डायगनल, अरे ये भी डायगनल होगी क्योंकि हाँ उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है ना, डायगनल एंट्री उसकी पावर एन हो जाएगी, करने के बाद वो मल्टी अगेन डायगनल होगी ना, हमने कर लिया। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन डायगनल होगी, सही कह रहे हो आप, तो उसकी पावर उतनी हो जाएगी, डायगनल की एंट्री की पावर हो जाएगी। हाँ सर, जो डायगनल एलिमेंट है ना उनको उनकी पावर एन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इज अगेन ए डायगनल मैट्रिक्स। कारण है सर वो मोस्ट ब्यूटीफुल वाली। हाँ ये सबसे अच्छी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप इसकी पावर करो, मान लो आप m पावर करते हो तो डायगनल की पावर हो जाएगी m, बाकी सब क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यस सर, तो ये कैसी है, डायगनल है। और m क्या है यहाँ पर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सर, जीरो होगा तो वो जीरो बन जाएगा, नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो आप। हाँ जीरो भी हो सकती है तो, लेकिन हाँ वो भी डायगनल मैट्रिक्स तो वो भी रहेगी ना, जीरो भी डायगनल मैट्रिक्स है, और जो नेगेटिव में तो फिर उसकी पावर ही पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव में तो मान लो जीरो हुआ डायगनल पे, गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। तो एम क्या है, जीरो, जीरो कैसे हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो भी डायगनल मैट्रिक्स है ना, एक नहीं पावर जीरो, हाँ जीरो पावर जीरो हो सकती है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की जीरो पावर है, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होगी ना, किसी भी चीज की पावर जीरो आइडेंटिटी होगी। हाँ और आइडेंटिटी कैसी है, डायगनल है, तो एम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की जीरो पावर कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की जीरो। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, इंटीग्रल पावर वाली। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए आपके पास जाते हैं कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, इफ कैपिटल ए इज ए डायगनल मैट्रिक्स, कैपिटल ए क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है, If capital A is a diagonal matrix and all the diagonal elements of capital A are non-zero, तो क्या खास बहुत बात बोली है, सारे diagonal element क्या है, non-zero है इसके, देन ए इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है इनवर्स के बारे में सर, ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा और क्या बनेगी,
D1 को छोड़कर सारे, हाँ फिर सेकंड में D2 को छोड़कर 1/ सभी. क्या 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 D2 को छोड़ गया सर? 1/ D2 D3 इनवर्स ही है ना सर? देखो ये भी क्या बनेगी, प्रोडक्ट आएगा ना. हाँ हाँ, तो A इनवर्स भी क्या बनेगी, इज ऑल्सो A डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी डायगोनल बनेगी. मान लीजिए आप A ऐसी है, डायगोनल दे रखी है, D1 D2 DN दे रखी है, बाकी सब क्या है, जीरो है, और डी आई क्या है, नॉन जीरो है. फोर ऑल आई कहां से कहां तक, एक से लेकर एन तक, ये नॉन जीरो है. तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होता है, ठीक है, ये आएगा 1/D1 1/D2 1/DN जीरो जीरो. भी कारण क्या है ये 1/D1 1/D2 1/DN आता है? D1 का कोफैक्टर निकालेंगे ना सर, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सर, क्योंकि और फिर इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो बाकी सारे कर जाएंगे, D1 D1 बचेगा. यस, क्योंकि D1 के जब कोफैक्टर निकालेंगे ना सर, D2 D3 DN सारे आ जाएंगे, और डिटरमिनेंट क्या है इसका, D1 D2 D3 DN है. जब डिवाइड करेंगे तो 1/D1 आएगा फर्स्ट पोजीशन पर. सेकंड पोजीशन पे जब कोफैक्टर निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर, तो D2 की जगह क्या आएगा, D1 D3 DN मल्टीप्लाई में, और जब डिटरमिनेंट से भाग करेंगे तो 1/D2 ही आएगा. सही कहा, समझ आ गई बात? यस सर. ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ कैपिटल ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, is equal to matrix itself, is equal to matrix itself, मतलब वही matrix आ जाएगी, कोई change नहीं होगा इसमें. अगर किसी diagonal matrix का आप transpose लेते हो उसी matrix से equal आ जाएगी. next property, seventh, सेवेंथ प्रॉपर्टी, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए डायगोनल मैट्रिक्स, उसे क्या इफेक्ट होगा, क्या है प्री मल्टीप्लीकेशन बैक. थोड़ी गर्मी हो रही है कि तो उल्टे काम करना भी. हेलो, क्या बोल रही है नीलम? नन्ना मुन्ना राई तंग कर रहा है क्या? हाँ, आपको बेटा कह रही है. यस सर. मेरे को बेटा निकाह, शिल्पी आपको कहती है?
ना आपको कह रही है बेटा, मेरे को बेटा कहेगी नहीं। ना सर, मैं तो अपनी बेटी को बोल रही थी। और क्या, हमारा रिश्ता तो कुछ और है, बेटा बेटी का तो है ही नहीं। पूछ ले साड़ी लगती है। बढ़िया बढ़िया की है ही है। जब सारा रिश्तेदार भर रखते हैं क्लास में। रिश्तेदार वाली कौन सी बात, आप नहीं लगते। अभी कल एक भाई आया था। मैं सगा भाई हूँ। तो सगा भाई ये तो है। सच में सगा भाई हूँ, मजाक की बात नहीं। नहीं, तो नहीं, तो नहीं। ये तो रियल ब्रदर है भाई। ना मानो लेकिन संडे को ना घर में क्लास लगाऊंगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल साथ बैठ गए। अरे कोई बात नहीं, सुनील प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण की ठीक है, लेकिन ये जरूर है ये शिल्पी भी साली है, वो भी साली है। रिफंड में साली बना दिया, न्यू रिफंड बना दिया, कमाल की बात है। और अंगूठी लेगी और तेरे काम ठीक है शिल्पी। सुनील का रिश्ता करवा फिर देखूंगा कौन। नहीं 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 ठीक है मतलब। हाँ बढ़िया सा करवा, कोई टिप टॉप लेन तो न जा रहे हैं मस्ती के। ठीक है, अभी तो छोटा सा बच्चा हूँ मैं। और क्या, या फिर जेडीए करवा दे बस। एक रिश्ता से एक दी करवाया जाता, कमाल की बात है। क्या है नेक्स्ट रिजल्ट, प्री मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए डायगोनल मैट्रिक्स। गर्मी सी हो रही है कि आपको है ना डायगोनल मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स को। क्या है, इफ कोई कैपिटल डी है, कैपिटल डी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल होगी इस फॉर्म की होगी डी वन डी टू डी एन, बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ठीक है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ये ऑर्डर एन की डायगोनल मैट्रिक्स है, और ए कोई जनरल मैट्रिक्स है एन बाई एन की, ए यू है ए वन वन ए वन टू ए वन एन, फिर आएगा ए टू वन, ओहो ए तो भूल गया 21 लिख दिया, शिल्पी ने बुला दिया साली जो कह दिया, ए टू वन ए टू टू ए टू एन, फिर डॉट डॉट करते गए ए एन वन ए एन टू ए एन एन, तो एन क्रॉस एन। ठीक है, तो हम क्या देखना चाहते हैं, डीए, तो डीए करना चाहते हैं, टी ए डी ए बहुत बढ़ते हैं ये पर आजकल नहीं बढ़ रहे, तो कैसे करोगे इसको, इस रूल से। जब आप इस रूल से करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, डी वन ए वन वन आएगा है ना, बाकी फिर डी वन ए वन टू आएगा, बाकी सारे तो एलिमेंट नीचे वाले जीरो हैं सर, सेकंड वाली पोजीशन पे आएगा। हाँ डी वन ए वन अगर सर रो वाई, हाँ रो वाई चल रहे ना हम। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से डी वन ए वन टू, हाँ रो तो डी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी डी टू से। हाँ दूसरी डी टू से हो जाएगी, मतलब डी टू ए टू वन डी टू ए टू टू ए टू टू और डी टू ए टू एन, करते गए करते गए, लास्ट वाली डी एन ए एन वन डी एन ए एन टू
और डी एन ए एन एन. तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना आई एथ रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय डी आई. रिजल्ट ये बना कि आई एथ रो है ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय डी आई. जैसे नीलम ने बोला है फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी वन से. सेकंड रो किससे हो जाएगी, डी टू से. थर्ड रो डी थ्री से. एनएथ रो डी एन से. तो ये रिजल्ट बन जाएगा आई एथ रो मल्टीप्लाई हो जाएगी डी आई से. ओके या नॉट ओके? ओके सर. अरे अंदाज में बोला करो ओके okay, ताकि फीलिंग आए. ओके सर. केसी ले गया नजारे. केसी सर की तो हंसी से पता चल जाता है कि केसी सर है. केसी तो घूट घूट के पी जाता है सारे नजारे. आप इतना प्यारा बोलते हैं सर. मैं कहाँ बोलता, ये तो प्यारा बोलती नहीं मैं, मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या करूँ. आप तो सर सबको फीलिंग दे देते हैं. अच्छा आप अगले से जो ना बोलना चाहे वो भी बुलवा लेते हैं. नहीं यार क्या करें, ऐसे पढ़ पढ़ के मैथ पढ़ के बोर नहीं हो जाएंगे फिर यार. मतलब थोड़ा बहुत क्लास में आए पाइया खून तो बनना चाहिए ना क्लास में. जी सर. फिर ही मजा आता है. जैसे शुरू शुरू में मजा आता था केसी, कितना मजा आता था केसी. अरे सर वो क्लास अब जिंदगी में दोबारा मिले नहीं पाएगा मुझे लगता है. वैसी फीलिंग नहीं मिलेगी है ना. हंसते हंसते एकदम समझ लीजिए सब हर एक व्यक्ति था लोड कोट हो जाते थे एकदम. इतना हंसते हंसते कि अगल बगल वाले भी सोचते थे यार ये क्यों हंस रहा है इतना अकेले में ही मोबाइल देख के. बिल्कुल सर. मेरे ही साथ नहीं हो रहा था, सब हर सबके साथ ऐसा. लगभग जितने लोग जुड़े थे लगभग 50-55 तब तो 100 के करीब लगभग सारी क्लास हंसती थी. बहुत सब हंसते थे. केसी सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं. अब तो वो मतलब लगता है कि एकदम चेंजिंग आ गया है पूरा. वो चेंजिंग इसलिए करना पड़ा ना, रिजल्ट नहीं, कई कई बच्चे बेचारे अटके पड़े थे, रिजल्ट नहीं दे रहे थे. कुछ लोग सर वो तुरंत जैसे हंसने के बाद पढ़ने का जैसे वो क्या बोलते हैं मतलब कि तुरंत सीरियस नहीं हो पाते हैं. हाँ चेंज नहीं हो पाते थे. और कई कई लोगों को मजा ऐसे ही आता है तो इसीलिए उसमें कुछ लोग को दिक्कत हो जाती थी. इसी वजह से तो ऑब्जेक्शन किया कहीं उन्होंने, तो फिर मैंने अपना मोड चेंज कर दिया. ठीक है सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. हाँ मैम वापस आ गई है. उस मोड में बहुत मजा आता था. मैम भी बीच में गायब हो गई थी ना इसलिए. और हाँ. एकदम आप अब तो 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ आवाजें आ रही है. नहीं तो मैं 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं ऐसे मोबाइल लगता था पता ही नहीं चलता था, सिर्फ आप एक आवाज जैसे कंप्यूटर चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है ऐसा लग रहा था. आप जबरदस्ती बुलवाते थे कि ठीक है बोलो भाई ठीक है. कोई नहीं बोलता. एक आध लोग गलती से भूल देते थे. और क्या अब सारे बोलने गुंगे ही बोलने जाते फिर तो. बट ठीक है सर जैसा जैसा सबको एडजस्ट अच्छा लगे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. मेन मकसद है अच्छे से पढ़ के निकल जाना बस. हाँ मेन तो वही है. सही बात है. नेक्स्ट है अब है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. जो नेक्स्ट रिजल्ट है 8th ये है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. बाय ए डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स को कहां लगाएंगे, पीछे. पहले डायगोनल मैट्रिक्स कहां लगी थी, आगे. तो प्री मल्टीप्लाई थी, अब ये पीछे लग जाएगी. तो वही चीज है. क्या है, लेट डी डी वैसे ही मानो. कैसे, डी वन डी टू डी एन. लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं थी. तो अब मुझे क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स को पीछे लगाना है, मतलब ए डी लगाना है. पहले डी ए था, ए तो ऐसी रहेगी ए वन वन ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन. ये तो जनरल लेनी है. चलते गए चलते गए चलते गए ए एन वन ए एन टू
ANN, तो N क्रॉस N की, तो यहां डायगोनल थी D1 D2 DN। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या इफेक्ट होगा देखो, मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ, DI से। गुड, मतलब कैसे लिखा जाएगा ये A11 D1, फिर लिखा जाएगा A12 D2, हाँ जी, फिर लिखा जाएगा A1 and DN। पहली रो ऐसे लिखी जाएगी, जब दूसरी रो की बारी आएगी ऐसे A21 D1, फिर A22 D2। बस प्रैक्टिकली देख लो इसको करके, A22 D2 करते गए A2 and DN, और फिर लास्ट लिख देंगे AN1 D1 AN2 D2, और फाइनली ANN DN। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ जो ith कॉलम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है DI से, जो मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं ये लिख रहा हूं ith कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय DI, मतलब पहला कॉलम D1 से, दूसरा कॉलम D2 से, तीसरा कॉलम D3 से, nth कॉलम DN से, ऐसे हो जाएगा। हो गया भाई क्लियर? यस सर। ओ विशालिन तो ऑल क्लियर लगा लिया शैम्पू, तभी इसके घने और लंबे बाल हैं। रहा था कि कोई नहीं बोलेगा। हाँ तभी आपके घने लंबे और काले बाल हैं। यस सर। ये लॉजिक मेरे को भी नहीं पता था। तभी तो आप रोज फोटो में दिखाते हो। सर आप मेरा फेस मिस कर रहे हो, है ना? हाँ। चेहरा क्या देखते हो? सर कन्हैया लाल ज्वाइन हुए? सर कन्हैया लाल हो रहे हैं, गायक है क्या वो भी? नहीं नहीं ज्वाइन हुए हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ सर। हाँ सर हम ज्वाइन हुए हैं। कैसी सर? अच्छा अच्छा बिल्कुल सर। सर क्लास कन्हैया वही है क्या? कृष्ण कन्हैया, क्या बात है यार, क्या बात है, तो मजा आ गया ग्रुप में, इसकी तो सारी जरूरत थी। हमारे पिछले साल से पुकार रहा हूँ कृष्ण राधा, तो मुझे नहीं मिला सर। ये कृष्ण चंद सर का कमाल है जो कन्हैया जुड़े हुए हैं। ओके हेलो सर। हाँ जी सर, एक बार बैक कर दीजिए। किसकी बैक? सर स्क्रीन की। ओके कर दिया कर दिया। आप सर फीडबैक नहीं लेते हैं किसी का? फीडबैक देते ही नहीं है। अभी बोलना स्टार्ट होएंगे ना धीरे धीरे, अभी बोलने भी खुले नहीं है, अभी इनकी हेजिटेशन है। नहीं जैसे ग्रुप में मांगा करिए ना, तो वहां दे देंगे। हो गया सर। पर्सनल व्हाट्सएप पे। ये बात सही है, पर्सनल फीडबैक दे देना भाई, कभी गाली देना स्टार्ट कर दो सर। सर हो गया। ओके ओके सर। केसी सर। हाँ बोल बोल सर। फीडबैक कब देना है? अरे मैं सर के लिए मैं कह रहा था। अरे चलो सर, मैं ये कह रही हूँ सुनो एक बार मेरी। हाँ, सर केसी सर से पूछो, उनकी कॉफी खत्म हो गई आज तो, खत्म कर दी ना उन्होंने कॉफी। अभी जस्ट खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले। चाहे हुआ हो चाहे ना हो, आपको तो पिलाएंगे नहीं, ये मुझे पक्का पता है। हाँ, सही। आप देखो पड़ोसी होते हुए आपको नहीं पिलाते। सर इन्होंने कौन सा गुड़ दिया था फिर? और सर मैंने तो करा था आधा आधा ले लो, पर किसी ने लिया ही नहीं, सबने मुझे दे दिया था, तो मैंने रख लिया। नाना जी वाला गुड़ जब मैम आओगे तो जरूर दूंगी। ये नहीं देगी, यूपी वाली है, यूपी वाले ऐसे चला लेते हैं, मीठे बोल गए ऐसे ही कर लेते हैं। मीठी गोली देगी, मीठी गोली देते हैं। नाइन्थ रिजल्ट है द डिटर्मिनेंट
ओफे डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज जो डिटर्मिनेंट है डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है डी वन डी टू डी थ्री और डॉट 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 डी एन. तो डायगोनल मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट कर दो. तो इसी वजह से हम डायगोनल मैट्रिक्स को मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बोलते हैं. दैट्स व्हाई वी से डायगोनल मैट्रिसेस आर मोस्ट ब्यूटीफुल. बिल्कुल विशाली की तरह मोस्ट ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. मैट्रिसेस तो इनको मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिसेस कहते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनपे ना काम करना आसान है, इनको समझना आसान है. इन पे आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जैसे आपको मान लो ट्रेस करना हो, जस्ट डायगोनल को सम कर दो, डिटरमिनेंट निकालना हो प्रोडक्ट कर दो, आपको इसकी पावर करनी हो डायगोनल की पावर कर दो, इनवर्स करना हो वन बाय कर दो, तो कुछ मर्जी कर दो, मतलब जल्दी जल्दी ऑपरेशन लग जाते हैं इसके ऊपर. तो इनको मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिक्स कहते हैं. तो इसीलिए हम हर एक चैप्टर में आगे चल के मैट्रिक्स को हम ना डायगोनलाइज करेंगे. हम ये पढ़ेंगे, we will study the concept of diagonalization. Diagonalization का मतलब क्या है? Similar to a डायगोनल मैट्रिक्स. हम गिवन मैट्रिक्स को अगर ये स्टडी कर लेंगे ना कि वो डायगोनलाइजेबल है, तो उसकी प्रॉपर्टी वही होंगी जो डायगोनल मैट्रिक्स की है, लगभग सेम प्रॉपर्टी होंगी. ठीक है, तो इसलिए हम डायगोनलाइजेबल का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे कि फलानी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है. अगर डायगोनलाइजेबल है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी फटाक से बता देंगे, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है. तो इसलिए इनको मोस्ट ब्यूटीफुल की संज्ञा दी है. तो आपने देखा डायगोनल मैट्रिक्स कितनी नाइस मैट्रिक्स है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो नाइस लोग होते हैं. अदरवाइज जीवन में परेशान करने वाले दुख देने वाले बहुत होते हैं. जो हेल्प करे दिल से, सुख दे, हमें समझे, ऐसे लोग बहुत कम है. मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी कम है. हाँ, ये बात सही है. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. सेट की फॉर्म में हम हमेशा डेफिनेशन बनाएंगे इसकी. इसमें क्या होता है, वो मैट्रिक्स आएंगी और आएंगी सारी स्क्वायर, चाहे जितनी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं सारी स्क्वायर पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ रहे हैं. दूसरे नंबर पे आ गए हम, पहले पे थी डायगोनल, दूसरे पे है स्केलर. तो इसमें जो के आई जे जीरो होता है, कब? जब i नॉट इक्वल टू जीरो. तो ऑफ डायगोनल एंट्री तो क्या होती है, जीरो होती है, और डायगोनल एंट्री क्या होती है, इक्वल होती है. एंड ए आई जे क्या होती है, के.
फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, मतलब डायगनल एंट्री क्या होंगी सेम, के यहां पर क्या है कोई भी स्केलर है, मतलब स्केलर का मतलब क्या है कोई भी नंबर है, अगर आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप रियल में पढ़ रहे हो रियल नंबर है, डिपेंड करेगा कि आप कहां पढ़ रहे हो इन मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इन इन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है वही, तीन बातें तो हम जरूर जानेंगे, एक तो सम के ऊपर, एक जानेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और एक जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ये तीन तो पक्की जाननी है। फिर इंटीग्रल पावर के ऊपर चार प्रॉपर्टी, एक डिटरमिनेंट इनका, तो ये कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी है सभी मैट्रिक्स की, तो इनको सोचा करेंगे हम। तो दो स्केलर मैट्रिक्स का सम क्या आएगा भाई, स्केलर ही आएगा, स्केलर ही आएगा। ये कह सकते हैं कि ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, उसके सारे एलिमेंट चार 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 है, तो सर स्केलर जो है वो डायगोनल होंगी, बट ऑल डायगोनल्स आर नॉट स्केलर। हाँ हाँ ये कह सकते हो आप, यस सर। हाँ क्योंकि सर वैसे और मैट्रिक्स भी स्केलर हो सकती हैं। हाँ देखो 4400 ये स्केलर है, ये डायगोनल भी है। यस सर ठीक है। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या बनेगी, ये बात बनेगी स्केलर मैट्रिक्स किसको इम्प्लाई करेगी, डायगनल को जो स्केलर होगी डायगनल तो हो ही गई, वो क्योंकि उसकी कंडीशन को तो होल्ड करती है। बट जो डायगनल मैट्रिक्स है वो इम्प्लाई नहीं करती स्केलर को, तो डायगनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे काउंटर है, ये 1500 है, कैसी है डायगनल है, परंतु स्केलर थोड़ी है, और ये डायगनल भी है और स्केलर भी है। यूनिट मैट्रिक्स कैसी है, स्केलर है सर, स्केलर है, डायगनल भी है, दोनों है, ठीक है। तो दो स्केलर का सम क्या आएगा, और स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है, हाँ अगर यहाँ K1 है तो हर जगह K1 आएगा, एक स्केलर ये है दूसरी में K2 है तो हर जगह K2 आएगा। जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा डायगनल में हर जगह, K1 plus K2 आएगा, सेम नंबर आ गया ना। हाँ जी सर, तो इसलिए क्या होगी, ये स्केलर होगी, स्केलर की तो डेफिनेशन है। तो डायगनल एंट्री पे तो सेम नंबर आए और ऑफ डायगनल पे जीरो आए, तो यही रहेगा। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा डायगनल पे, प्रोडक्ट में K1 K2 आएगा। हाँ K1 K2 आ जाएगा हर जगह ही K1 K2 आएगा, तो इसलिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्केलर होगी। हाँ और जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी स्केलर आएगा। जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है के से मल्टीप्लाई करेंगे, के ए, मतलब ये के के वन बन जाएगा, के वन बन जाएगा और के वन, बाकी सब जगह जीरो, तो ये भी स्केलर आएगी। सर स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ
हाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ, तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कोई स्केलर मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। हो गया क्लियर? यस सर। तीनों प्रॉपर्टी आगे वेक्टर स्पेस में काम आएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे के लिए काम आएंगी, तो आगे के लिए सारा काम तामझाम हो रहा है ये सारा। फिर नेक्स्ट है बस बस सर और मत कराओ, ये खत्म हो जाने दो विशाली, बस थोड़ा सा रह गया, तो स्केलर स्केलर खत्म हो जाने दो, आगे और टॉपिक नहीं कराएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ कैपिटल ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कैपिटल ए की क्या खास बात है, स्केलर मैट्रिक्स है, देन द पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीग्रल पावर ऑफ ए पावर ऑफ ए इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। यस सर। कारण वही बिल्कुल उसी का पर्टिकुलर केस है बिल्कुल, और एम क्या है, जीरो भी इंक्लूड कर लो चाहे नॉन नेगेटिव पावर बोल दो, ठीक है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर बोल सकते हो आप, वो भी आइडेंटिटी हो जाएगी। हाँ पांचवी प्रॉपर्टी है अगर ए नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि तो जीरो भी तो स्केलर मैट्रिक्स है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स देन जो ए इनवर्स आएगा वो भी क्या आएगा, इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगनल मैट्रिक्स में तो हर डी आई को नॉन जीरो होना पड़ता था, यहां अगर के एक नॉन जीरो होगा सारे नॉन जीरो होंगे डायगनल में, वो सेम नंबर है ना वहां पर, दैट इज इफ ए क्या है डायगनल में के ये जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन जीरो कब होगी स्केलर भी, जब के नॉन जीरो होगा, तो इसका इनवर्स किसके बराबर आएगा, वही तरीका है वन बाई के बाकी सब कुछ जीरो सेम आएगा। और छठी प्रॉपर्टी वही है बिल्कुल डिटो मैचिंग है सारी, एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं है। छठी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए क्या है स्केलर है स्केलर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, सेम वही मैट्रिक्स आएगा, जब वो है ही डायगनल मैट्रिक्स तो बाकी सारी प्रॉपर्टी वो जो मतलब डायगनल पे लगती है वो भी लगेंगी, वो इस पे लग जाएंगी क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स है। नंबर सात प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के ऊपर है, डिटर्मिनेंट स्केलर मैट्रिक्स का कितना आएगा, के का पावर एन, हाँ के का पावर एन आ जाएगा, ठीक है के की पावर एन या के का पावर एन एक ही बात है, वही आ जाएगा। आठवा हमने प्री मल्टीप्लाई किया था और पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, तो जब स्केलर मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करें
या पोस्ट मल्टीप्लाई करें सेम आंसर आएगा। यस सर, मतलब ये कम्यूट करती है, यही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। हाँ, क्या है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आर द ओनली मैट्रिसेस विच कम्यूट्स विद एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स हैं जो सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती हैं, सभी के साथ, मतलब प्री मल्टीप्लाई करें पोस्ट मल्टीप्लाई करें सेम आंसर देती हैं ये। मतलब पहले स्केलर रखो फिर जनरल मैट्रिक्स रखो फिर जनरल रखो फिर स्केलर रखो सेम आंसर आएगा आप देखोगे, क्योंकि वहां तो रो रो वन डी वन से मल्टीप्लाई होती थी अगर पोस्ट करते थे तो, प्री करते थे तो। प्री में क्या होता था, पहली रो डी वन से, दूसरी रो डी टू से, एनथ रो डी एन से, और कॉलम पोस्ट करते थे तो पहला कॉलम डी वन से, दूसरा डी टू से, डी एन से। लेकिन यहाँ डी वन डी टू डी एन बराबर है भाई, तो इसलिए दोनों बराबर आ जाएंगी ये, तो इसलिए जो रिजल्ट बना है स्केलर मैट्रिक्स ही संसार में एकमात्र मैट्रिक्स है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। अगर कोई भी नॉन स्केलर मैट्रिक्स है ना वो हर मैट्रिक्स से कम्यूट नहीं कर सकती, क्या पता एक पर्टिकुलर से कर जाए, लेकिन हर एक से नहीं करेगी। समझ आई बात ये? यस सर। हाँ नीलम बताओ क्या डाउट था सर? ये एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपने, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड पी इज एन क्रॉस पी मैट्रिक्स देन द रोज ऑफ ए बी आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी एंड कॉलम्स ऑफ ए बी आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। सर ये प्रॉपर्टी कभी नहीं समझ में आई है ऐसे। अच्छा, ए कितने बाय कितने की है, एम क्रॉस एन की? यस सर, टू क्रॉस थ्री की ले लो। और बी कितने की है? एन क्रॉस पी की, थ्री क्रॉस वन की ले लो, टू की, थ्री की, कितनी मर्जी ले लो। आसान, वन को छोड़ के किसी और के लिए बताना सर, थ्री क्रॉस वन, थ्री क्रॉस टू के लिए बता दो, थ्री क्रॉस टू की ले लो। ठीक है, क्या थ्री क्रॉस थ्री की भी ले सकते हैं? आगे क्या था, जो ए बी है, जो ए बी है, ए बी निकालो पहले, ए बी क्या आएगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और ये क्या आएगा, ये तो आएगा टू क्रॉस थ्री, और थ्री क्रॉस टू करेंगे तो हम बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री वन, बी थ्री टू, मल्टीप्लाई करो, टू क्रॉस टू की आएगी, क्या आएगा पहली रो में, ए वन वन, बी वन वन, ए वन टू, बी टू वन, फिर ए वन थ्री, बी थ्री वन, सेकंड एलिमेंट ए वन वन, बी वन टू, प्लस ए वन टू, बी टू टू, ए वन थ्री, बी थ्री टू, सेकंड में ए टू वन, बी वन वन, ए टू टू, बी टू टू, ए टू थ्री, बी थ्री वन,
फिर नेक्स्ट में A21 B12 A22 P22 और A23 B32। ठीक है, तो इसमें हर एक रो, जैसे मान लो फर्स्ट रो है, किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट रो देखो, यहां पर कॉमन कौन आएगा? हाँ, फर्स्ट रो ऑफ ए जो सर बी के कॉलम के, उसमें सर लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखो कॉमन कौन आएगा यहाँ पर? B11 है ना। लिखिए इसको, तो क्या निकाल लेंगे? B11 कॉमन निकाल लेंगे ना। कैसे लिख सकते हैं? हर एक रो था क्या? हर एक एलिमेंट था, रो का हर एलिमेंट था ना? नहीं सर, रो थी ए थी, आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी। ये लिखा हुआ था रिजल्ट, ऐसा सर एक की रो एक के कॉलम के उसमें, और एक का कॉलम एक की रो के कॉम्बिनेशन में। एक तो है सर, इसमें B11 कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम बनेगा A11 और A21। एक मिनट, ये था इफ ए इज ए एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज एन क्रॉस बी मैट्रिक्स, देन रोज ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी, रोज ऑफ ए बी। तो ए बी की फर्स्ट रो क्या है? A11 B1 है, A12 B21 है, A13 B31 है। तो फर्स्ट रो को कैसे लिख सकते हो आप? देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। फर्स्ट रो उठाओ आप, फर्स्ट रो उठाई आपने, फर्स्ट रो क्या है? ये है A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, फिर है A11 B12, A12 है B22, A13 है B32 है, ऐसे है। अब इसमें क्या करो आप है, इसको लिख सकते हो A11 कॉमन ले लीजिए, A11 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा B11, आप लिखो B11 B12 B12 ठीक है, फिर प्लस लिख दो, फिर कॉमन क्या लो? A12। कैसे लिख सकते हो? B21 और B22, फिर कॉमन लो A13, क्या हो जाएगा? B31 B32। तो ये नंबर है स्केलर है, ये तीनों ये स्केलर है, और ये तीनों नंबर क्या है? कौन सी है? रो है किसकी है? बी की सर। हाँ हो गया सर।
सर कल छुट्टी है। हाँ वेडनेसडे ऑफ है सर। एक प्रॉब्लम पूछनी थी कल की। हाँ बताओ। जा सकते हैं ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देना जॉइंट ऑफ बी ए इक्वल टू 0। हां उस रिजल्ट को भी मैंने कई उसमें देखा है, उसका जो है ना वो कंट्राडिक्शन से ही प्रूफ ठीक है, जो हमने कंट्राडिक्शन से प्रूफ किया था ना। हाँ वो सही है, वो सही है सर। उसका मैंने भी देखा था नेट पे, तो उसमें बहुतों में तो ऐसे किया हुआ था सर, वो वाला लगा के ही ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो दिखा के डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, वो वाला यूज किया हुआ था सर। फिर उसका डिटरमिनेंट ले उन्होंने क्या किया हुआ है, जो नेट वालों में तो ये किया हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, उन्होंने किया हुआ है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये किया हुआ है उन्होंने। इसको यूं किया हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, क्योंकि ए सिंगुलर है, डिटरमिनेंट ए जीरो आएगा तो जीरो मैट्रिक्स से ही। मुझे सिर्फ एक जगह ही अलग मिला था वो। हाँ तो उसने क्या बोला है यहाँ पर, क्योंकि एडजॉइंट ए इनवर्टिबल कब होती, जब ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आता, आइडेंटिटी के बराबर आता, ऐसा कभी आएगा नहीं, तो इसका मतलब है एडजॉइंट ए इज नॉन इनवर्टिबल। सर ये भी थोड़ा दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू क्या सर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया होता तो फिर कहते सर। भाई देखो कुछ मर्जी दिया हो ए, कुछ मर्जी दिया हो ए, हम एक बात तो कह सकते हैं ना यहाँ पर ए, क्योंकि ए क्या थी आपकी, सिंगुलर थी, अगर सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, जीरो आएगा, तो पक्की बात है। तो यहां मैंने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी तो जीरो नंबर को आइडेंटिटी से जीरो मैट्रिक्स आएगी। अब ए इंटू एडजॉइंट ए जीरो आ गया तो इसका मतलब है एडजॉइंट ए कैन नॉट बी इनवर्टिबल, तो इनवर्टिबल तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डेफिनेशन को पूरा नहीं करेगी। इनवर्टिबल कब होती, ए इंटू एडजॉइंट ए आइडेंटिटी के बराबर आता तो इनवर्टिबल होती, क्योंकि यहां आई आता। हाँ जी एक जगह मैंने ये देखा सर, यहाँ पे a into adjoint of a equal to zero आ गया, तो आगे इसने दो केस लिए हुए हैं। हाँ तो पहला केस तो ये है कि अगर a equal to zero हो गया तो सिंपल सा है adjoint of a भी zero हो जाएगा, वो सिंगुलर हो गई। तो एक सर नहीं, a zero होने पे adjoint a zero क्यों हो जाएगा, हाँ zero हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, zero matrix adjoint zero आता है। यस सर। हाँ। फिर आके इसने लिखा है सर कि अगर a not equal to zero है then a contains a non null row say the ith row ai, it follows that ai dash aj जो है a का equal to zero, which implies that the row of adjoint a are linearly dependent। हाँ। तो hence adjoint of a is singular। हाँ। मेरे को समझ में नहीं आया सर कि मतलब क्या बोल रहा है इसमें। हाँ देखो दो दो केस बनेंगे ना। केस पहला क्या बना कि अगर a जीरो ले लिया, a जीरो लिया तो एडजॉइंट a कितना आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, तो एडजॉइंट a क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है कि ये तो केस पहला लिया है। केस सेकंड क्या लो, अगर a क्या है, नॉन जीरो है, और a इंटू एडजॉइंट a क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इससे एक बात तो तय हो रही है ना, एडजॉइंट a इनवर्टिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनवर्टिबल तब होती ना भाई, इसका इनवर्स बन जाती मैट्रिक्स साथ में है, कि अगर ये आइडेंटिटी आ जाता तो आइडेंटिटी तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब एडजॉइंट a कैन नॉट बी इनवर्टिबल, अगर इनवर्टिबल नहीं है तो ये सिंगुलर हो जाएगी। वहां क्या लॉजिक दिया हुआ था, ये यहाँ पे लिखा था ए कंटेन्स ए नॉन नल रो से द आईथ रो ए आई डैश लगा रखा है ऊपर, इट फॉलोज दैट ए आई डैश एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज दैट द रो ऑफ एडजॉइंट ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। हां वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगी ना। ओके सर। हां कोई ना। हां जी सर, एडजॉइंट ए के इनवर्टिबल ना होने से दो ही बातें होती हैं, या तो कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है, नॉन इनवर्टिबल होती है। गुड नाइट सर। अगर नॉट इनवर्टिबल है तो इनवर्टिबल होगी, अगर इनवर्टिबल नहीं है तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर।
गुड नाइट सर. एडजॉइंट ए सिंगुलर होगी ना सर? हाँ. तो ए सिंगुलर, इसका मतलब ए भी सिंगुलर होगी ना? ना तो प्रूव तो यही करना था ना, हमने प्रूव करना था एडजॉइंट ए सिंगुलर है. ए तो सिंगुलर दे रखी थी, ए सिंगुलर दे रखी थी. ठीक है. हेलो. ए सिंगुलर दे रखी थी सर, और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जीरो प्रूव करना था. हाँ, मतलब हाँ. करना था हाँ. सर तो हम सब इसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं ना, जिसमें कि ये एनी मैट्रिक्स इज नॉन सिग्नल इफ एंड ओनली इफ, मतलब मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. हाँ. तो इसी से मतलब हाँ, ए इनवर्टिबल होती है. क्या रिजल्ट है? इफ एंड ओनली इफ का है. हाँ, ओनली इफ. अगर इसका मतलब इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन आ जाए. हाँ बिल्कुल. तो सर इसका मतलब यही है कि चूंकि यहाँ पर जो है ये एडजॉइंट जो है ए का इनवर्स नहीं है. हाँ. तभी तो जीरो आ रहा है सर. हाँ. तो सर अगर एडजॉइंट ए जो है ए का इनवर्स नहीं है तो ए तो हो सकता है किसी और का इनवर्स हो सर. ना 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 ना, क्योंकि एडजॉइंट ए कोई दूसरी मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स